नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिक्स ज्ञान को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और साथ में ये बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार बंपर भर्तियां निकालने वाली है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। इसी क्रम में वर्तमान में सरकार ने रेलवे के 62,907 और 26,502 यानी कि कुल 89,409 पदों पर भर्ती प्रारंभ कर चुकी है। इसके साथ साथ हमेशा से चलने वाली भर्तियां जैसे SSC, IBPS आदि भी रनिंग में हैं। इन सभी परीक्षाओं में मैथमेटिक्स की अहम भूमिका होती है, इसीलिए हम आज से मैथ्स की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको इन परीक्षाओं में आने वाला पूरा कोर्स क्रमानुसार मिलेगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और यदि कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 का प्रयोग किया जाता है। इन सारे नंबर से बनने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब संख्या पद्धति के अंतर्गत आती हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले संख्या पद्धति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। वर्तमान में संख्या पद्धति के दो प्रकार प्रचलित हैं, नंबर एक भारतीय संख्या पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम और नंबर दो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख आदि, तथा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आदि चलता है। अगर हम संख्याओं की प्रकार की बात करें यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर, तो संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे के सारे नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। इसमें 0 को लेकर के अगर प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर्स, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक इंक्लूडिंग 0 पूर्णांक बोले जाते हैं। चौथा नंबर आता है सम संख्या का यानी इवन नंबर, जितनी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं वो सारी की सारी सम संख्याएं बोली जाती हैं। पांचवा विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती वो ऑड नंबर बोले जाते हैं। छठा भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, जो संख्याएं 1 व स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी भाग हो जाएं तो वे संख्याएं कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, जो संख्याएं 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग ना हो वो सारी की सारी प्राइम नंबर्स होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक के समूह में हो और एक दूसरे से विभाज्य ना हो, यानी कि कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होना चाहिए जो उनको आपस में भाग कर सके, तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर बोला जाता है। इसके बाद परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, वह संख्याएं जो P/Q यानी कि किसी भी भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हो, सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर, वह संख्याएं जो P/Q यानी कि भिन्न के रूप में न लिखी जा सके, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसी संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर आवर्ती संख्या न प्राप्त हो, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। इसके अलावा संख्या पद्धति के कुछ विशेष रूल भी हैं, उनको भी जान लेना जरूरी है। वो रूल क्या है? पहली चीज तो एक
ऐसी संख्या है जिसको ना तो हम भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य कहते हैं। नंबर दो, दो को दो एक ऐसी संख्या है जिसको आप सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही गणित की आधारभूत प्रमेय भी कही जाती है। इसके अलावा दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन टू नंबर्स। संख्या पद्धति के बाद हमें विभाज्यता के नियम भी जानने की जरूरत है, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं, जिनमें आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स भी जान लेते हैं। वैसे तो हर संख्या का डिविजिबिलिटी रूल हो सकता है, लेकिन चूंकि मोस्टली जो संख्याएं जरूरत पड़ती हैं वो होती हैं प्राइम नंबर्स, तो इसलिए हम केवल प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को ही यहां पर देखेंगे। पहला रूल है दो से विभाज्यता का, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ टू। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो श्योर है कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें अगर, तो किसी भी संख्या के नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए, यानी उसका डिजिटल सम निकाल दिया जाए और वो 3 से डिवाइड हो, तो फिर वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। 5 से डिविजिबिलिटी की बात करें अगर, तो जिस भी संख्या के का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। 7 की डिविजिबिलिटी बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि अगर लास्ट डिजिट को, किसी भी संख्या के लास्ट वाले डिजिट को डबल करके जो रिमेनिंग डिजिट बचे उसमें से माइनस कर दिया जाए, तो बची हुई संख्या यदि 7 से डिविजिबल है तो वो 7 संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से डिविजिबिलिटी की बात अगर करें, तो किसी भी संख्या में इवन प्लेस और ऑड प्लेस, यानी सम और विषम स्थानों पर आए हुए डिजिट्स को ऐड करके अगर माइनस कर दिया जाए और प्राप्त संख्या 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, तो फिर वो संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। 13 की डिविजिबिलिटी अगर चेक किया जाए, तो ये भी डिविजिबिलिटी 7 के जैसी ही होती है। यहां पे क्या करना है कि लास्ट डिजिट में 2 गुने के बजाय 4 गुना करना है, यानी 4 टाइम करना है, और माइनस करने के बजाय उसको बचे हुए नंबर में ऐड कर देना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक कि बची हुई संख्या 13 के टेबल में ना आ जाए। इसी तरीके से 17 की डिविजिबिलिटी में भी, यहां पर भी लास्ट डिजिट को 5 गुना यानी 5 टाइम करना है और बचे हुए नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है, और तब तक करना है जब तक कि बची हुई संख्या 17 से डिवाइड ना हो जाए। 19 से डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अंतिम अंक का 2 गुना बचे हुए अंकों में ऐड कर देना है, यानी कि 7 का जस्ट अपोजिट, और यह काम तब तक करना है जब तक कि रिमेनिंग पार्ट 19 के टेबल में नहीं आ जाता है। तो इसी तरीके से और भी डिविजिबिलिटी के रूल हैं, लेकिन अभी इतने बड़े डिविजिबिलिटी के रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए अब इन जितना अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम और भी अभी संख्या पद्धति में, यानी कि नंबर सिस्टम में और सारे कॉन्सेप्ट पर बात करनी है, लेकिन अगर सारी चीजों पर हम एक ही वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी और आपका आप उसको पूरा देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमने कोशिश की है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। पहला एग्जाम्पल है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेष 47 बचता है, तो इसी संख्या को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो शेष में क्या बचेगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इन इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाना भी बहुत आसान होता है। इसमें सीधे डिवीजन का एल्गोरिथम, डिवीजन का एल्गोरिथम होता है कि कोई भी संख्या बराबर होती है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस रूल को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कैसे? अगर हम मान लें कि 342 से संख्या को भाग देने पर भागफल क्यू बचता है, तो फिर संख्या हमारी हो गई 342 क्यू प्लस 47 या फिर 47। अब आपसे कहा गया है कि इसको 18 से डिवाइड करना है, तो 342 को हम देख पा रहे हैं कि ये 18 का फैक्टर है, यानी कि ये 18 × 19 क्यू बन जाएगा। और 47 को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम के साथ साथ रिमाइंडर 11 आता है। अब 18 × 19 क्यू प्लस 18 × 2 में 18 कॉमन है, तो रिमेनिंग बचा 19 क्यू प्लस 2 एंड प्लस 11। इसका मतलब शेषफल हमारा बचा 11, यानी कि अगर उस संख्या को 18 से डिवाइड किया जाएगा तो फिर रिमाइंडर बचेगा 11। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम 3607 को 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है 16। तो फिर हमारी जो रिक्वायर्ड संख्या होगी वो 3607 में हमें उसका रिमाइंडर ऐड करना होगा, यानी कि 21 में 16 को माइनस करने पर जो बचेगा उसको ऐड करने से जो संख्या होगी वो 21 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 3612 21 से विभाज्य होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर भी डिवीजन एल्गोरिथम ही लगता है, यानी 200 तक की संख्याओं को चेक करना है, तो 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो यह आता 33 × 6 + 2, यानी कि कोसेंट आया 33, यानी 1 से 200 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली 33 नंबर्स हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरली इसमें ऑप्शन दे के आता है। सपोज करिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राइम है यानी अभाज्य है। ऑप्शन है 173, 341, 437 एंड 811। करना यहां पे क्या होता है दोस्तों, हमें सबको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। अगर 173 की बात करें तो आपको पता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, मींस 173 जो है वो 14 के स्क्वायर से छोटा है। 14 से छोटे अगर प्राइम नंबर्स लिए जाएं तो 14 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 11 आता है। अब हमें केवल इन नंबर से ही इस संख्या को चेक करना है। अगर इन नंबर्स में से किसी से भी ये संख्या डिवाइड हुई तो फिर वो संख्या प्राइम नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये संख्या इसमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब कि ये एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 341 को अगर चेक किया जाए तो ये 11 से विभाज्य होगी। 437 को अगर चेक किया जाए तो ये 19 से विभाज्य होगी। और 811 को चेक किया जाए तो ये किसी से भी विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस संख्या में 173 और 811 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये SSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, 1y3y6 पूर्णतया 11 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC 2008, 2009, 2010 और रेलवे 2005 में पूछा गया है। तो संख्या पद्धति का कोर्स चूंकि बहुत ज्यादा है, सारा का सारा कोर्स एक ही दिन में नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसी की अगली वीडियो बहुत ही जल्दी फिर से आपके सामने होगी। और हमारी ये वीडियो रेलवे एग्जाम को विशेष में ध्यान में रख करके बनाई गई है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत ही जल्दी इसी टॉपिक के अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।